मनीषा वाल्मीकि के साथ जो उसकी भाभी बनकर बैठी हुई थी वो चंद्रशेखर रावण जी की बहुत ही क्लोज मित्र है। एक स्वर्ण वजीर दलित कराने की जो साजिश थी उसका जो है भंडाफोड़ हुआ है। महाराष्ट्र में जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है ये देश के लिए बहुत शर्मनाक विषय है। भारत को जो जलाने की हाथरस में बड़ा दंगा कराने की जो साजिश थी उसका भंडाफोड़ हुआ। मैं वहां पर महाराष्ट्र सरकार से इस्तीफे की मांग करती हूं। मैं बताना चाहूंगी आप सभी को जो हाथरस का जो पूरा जो मुद्दा था, जैसा कि अभी सभी लोगों को सभी जनता को विदित है कि पूर्णतः जो है फेक था, बच्ची के साथ जो है अन्याय हुआ इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन एक स्वर्ण वर्सेस दलित कराने की जो साजिश थी उसका जो है भंडाफोड़ हुआ है। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि अभी मनीषा वाल्मीकि के साथ जो उसकी भाभी बनकर बैठी हुई थी वो चंद्रशेखर रावण जी की बहुत ही क्लोज मित्र हैं, और इस प्रकार से जो नक्सली विचारधारा को वो मानती हैं और वहाँ पर आकर एक देश को बड़ा और एक जो है भारत को जो जलाने की हाथरस में बड़ा दंगा कराने की जो साजिश थी उसका भंडाफोड़ हुआ। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत सुदर्शन न्यूज़ जो इस प्रकार के जो चैनल है जो कि सनातनियों की आवाज़ उठाते हैं और सत्य पर आधारित जो है बातों का जो है प्रदर्शन करते हैं, इस प्रकार के चैनल्स को बैन करने के लिए जो महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर जी द्वारा जो इस प्रकार की जो बयानबाजी हो रहे हैं मैं उसका भी विरोध करना चाहती हूँ। आप एक पत्रकार को उसकी पत्रकारिता करने से रोक नहीं सकते हैं। पत्रकार एक सामाजिक दर्पण होता है कि वो जिस प्रकार से देखता है वो उसी को प्रदर्शित करता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर मैं रिपोर्टिंग कर रही हूं और अगर कोई मोदी जी को गाली दे रहा है तो मैं उस रिपोर्टिंग को उसी प्रकार से कवर करूंगी कि इन्होंने ऐसा कहा। पत्रकार का रोल उसमें कोई अपना व्यक्तिगत कोई पॉइंट नहीं होता कि वो उसमें क्या डाले क्या परोसे, वो जैसा सुनता है जैसा देखता है वैसा ही वो आगे प्रदर्शित कर देता है। एक सामाजिक आईने के तौर पर होता है। और इस प्रकार से जो कि महाराष्ट्र में जो कि पब्लिक भारत के जो एक रिपोर्टर हैं, नाम मैं उनका भूल रही हूँ, अर्णव गोस्वामी नहीं, वहाँ पर जो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत जी की जो केस करी, जो कि अभी बार बार ट्विटर पे हैंडल कर रहे हैं कि मुझे फंसाने की जो है साजिश हो रही है, इस प्रकार की नीति गलत है, मत कीजिए। मैं वहाँ पर महाराष्ट्र सरकार से इस्तीफे की मांग करती हूँ और यहाँ पर अपने हिंदू शेर सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, आज का जो युवा है वो बेवकूफ़ नहीं है कि आप जिस भी प्रकार से जिसको बड़गलाएंगे वो उसी प्रकार से बगल जाएगा। इस प्रकार की नीतियाँ बंद कर दीजिए। ये देश हमारा है, यहाँ कि जनता हमारी है, यहाँ की रक्षा और सुरक्षा भी हमें ही करनी है। इस प्रकार की नीति का जो है खात्मा होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ देश की एकता अखंडता एकजुटता समरसता को बनाए रखने में हमारे जो साधु संतों का जो योगदान है अत्यंत अनुकरणीय है। पालघर की घटना नहीं भूल पाई मैं, जहाँ पुलिस प्रशासन के साथ में हाथ जोड़ते हुए दो साधु संत और एक ड्राइवर के साथ वो अपनी प्राण रक्षा के लिए भीख मांग रहे थे और वहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूदगी में क्या वहाँ के आरोपियों वहाँ पर पुलिस जो प्रशासन थी उससे ज़्यादा पावरफुल वहाँ के आरोपी थे, जो कि पुलिस ने मैं कहना चाहूँगी उसका जिम्मेदार आरोपी जहाँ तक है उससे ज़्यादा वहाँ के पुलिस प्रशासन भी है कि उसे कमरे से ले जाकर जनता को भीड़ के बीच में कूच दिया। क्या एक व्यक्ति जो कि अपनी गाड़ी अपने ड्राइवर के साथ एक यात्रा पर निकलता है वो चोरी कर सकता है? इस प्रकार की जो वहाँ पर होते ही इस प्रकार से है, महाराष्ट्र में जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है ये देश के लिए बहुत शर्मनाक विषय है। जल्द ही अगर इस सरकार को भंग नहीं किया गया तो बहुत बड़ा खतरा देश में हो सकता है।